अपने लिए कुछ कपड़े लेने बाजार में गए और आपने कपड़ा पहनकर देखा, आपको जच नहीं रहा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप तब भी उसके पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। आप कब दोगे? जब आपको अच्छा वो लगेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की, और पावर सेक्टर की बात करेंगे कि किस तरह से कोयले की शॉर्टेज से पावर सेक्टरों में गिरावट आ रही है। और बात करेंगे सर जेपी पावर की। सर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सर यस बैंक में, और मुझे लगता है कि 20% लोगों को जो हमारे पास उनके पास शेयर है उसमें उन्हें अच्छा सुनने की एक ललक सी लग गई है। यानी कि जो मेरे पास है कोई मुझे उसकी तारीफ कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, भले ही उसके अंदर आगे जाकर गिरावट आ रही हो। पर मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं और किसी अच्छे इंसान को उसमें दिख गई कमी और वो सच में कमी है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और उसमें सुधार करता हूं। लेकिन लोगों को अच्छा सुनना पसंद है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं सर, कि जब आप बीमार हो जाते हो ना, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको कड़वी दवाई देता है। उस दिन कह दो डॉक्टर को, सर थोड़ी मीठी दवाई दे दो, चीनी लगा दो इसके अंदर। डॉक्टर आपको दवाई देता है सर कड़वी, लेकिन उसका रिजल्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और आप जिस तरह से बेड पर काफी दिनों से लेटे थे ना, वो डॉक्टर की कड़वी दवाई से आप ठीक हो जाते हो। तो आप अभी नहीं समझ रहे हो, और जब आप समझोगे तब इस चैनल को आप खोजते हुए आओगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट आ रहा है, अच्छी बातें हैं, प्रॉफिट आ रहा है सर। मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें हमें समझनी होगी जो शेयर मार्केट में अलग नजरिया में अलग तरीके से देखना आना चाहिए। और जिस तरह से हमारी सोच अलग होती गई, हमें यस बैंक में अच्छी निर्णायक चीजें दिखती रहेंगी। एक बात मैं आपको बताऊं कि यस बैंक पिछले बार भी रिजल्ट आने के बाद नीचे की तरफ गया। रिजल्ट आने पर हम खुश हो जाते हैं, और अभी रिजल्ट आया, मंडे मार्केट खुलेगी, तेजी दिखाएगा, मंगलवार भी तेजी दिखा सकता है, पक्का नहीं है। अगर इसने गिरावट दिखाई ना, फिर आप सोचोगे गिरा क्यों है जब सब कुछ अच्छा है। तो जब सब कुछ अच्छा है तो फिर शेयर प्राइस फिर 50 पे क्यों नहीं है? अभी सब कुछ अच्छा नहीं है सर, अभी आपको आगे जाकर पता लगेगा। बाकी बातें आपको क्या बताएं सर। तो यस बैंक ने बहुत अच्छा एक काम कर दिया है, प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है, हर चीज में यस बैंक खरा उतर रहा है। और यस बैंक सर ARC की तैयारी जून तक कर लेगा, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ गई है, जो दर्शा रही है कि जिस तरह से वो अपनी ARC और जिस तरह से उसमें वर्क होगा, उसके बाद वो फंड का राइज करेगा, फिर वो भी खबरें आएंगी और वो भी इसके अंदर आपको एक अच्छे से संकेत लाकर दिखाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको यस बैंक में एक उम्मीद सी जो जग रही है वो जगा के रखें, चाहे भले शेयर इसके आपका नीचे की तरफ मिले, लेकिन उम्मीद जगा के रखें। क्योंकि मैं इसके ऊपर सर काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, और मैं तो काफ़ी इसके अंदर पॉजिटिव सर पहले भी था, लेकिन जो वीडियो मुझे लगती है 10-15 दिन की मैं वो बना देता हूँ, वो कुछ लोगों को समझ में आ जाती है और कुछ लोगों को नहीं समझ में आती। क्या करें सर, जब नहीं समझ में आ रही है तो फिर भी हमारा पक्ष है कि सत्यता की ओर चलना। तो ARC के लिए बढ़िया काम हो गया है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो इन्हें देखते हुए आपको अपना मन इसके अंदर अलग तरीके से बनाना चाहिए। अगर शेयर हैं नीचे की तरफ जाए तब भी आपको इसके अंदर मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सर बैंक ने कर दिया है प्रॉफिट। तो बात करते हैं सर जेपी पावर की, और जेपी पावर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सर ये नदियों से भी बिजली बना लेता है और कोयले से भी ये बिजली बना रहा है, अपनी भी इनकी मायने है कोयले की। लेकिन कोयले का संकट सर बड़ा ही गहराता जा रहा है, बड़ा ही लहराता जा रहा है, सरकार भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और इसके अंदर भरपूर प्रयास करेगी किसी भी तरह जो कोयले से बिजली बनाते हैं उसमें कोयले की कमी ना आए। तो इस तरह से रेलें भी चलाई जा रही हैं जिसमें कोयला लेकर जाया जाएगा, वो भी इसका न्यूज़ आ रही है। कुछ दिन पहले सर कोयले की कमी से पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया गया था, और कई फैक्ट्रियों में जो कोयला है वो एक हफ्ते का ही कोयला पड़ा, इस तरह की भी आपको न्यूज़ मिली, और वो सारा इफेक्ट आपको शेयरों में गिरते हुए मिला है। ये चीज़ें मैंने आपको अपने दूसरे चैनल में बता दी थी कि इस तरह से भी शेयर गिर सकता है। और जेपी पावर में आपको उम्मीदें इस तरह लगानी है क्योंकि ये बिजली पानी से भी बिजली बनाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट हमें अच्छी चीज़ें दिख रही है। कोयले का संकट लहराता जा रहा है, वहीं पर सर जो सोलर पैनल होता है ना उसमें 50% तक के उछाल आ गया।
हैं प्राइस में सर, तो ये भी आपको देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हम सोलर को सस्ता बताते जा रहे हैं उसमें प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये जो चीज़ें हैं ना जिससे अभी भी जो 75% इंडिया में कोयले से जो बिजली बनती है ये बरकरार रखने की उम्मीद आगे तक भी जारी रह सकती है। तो कोयले का संकट जिस तरह से भी बढ़ता जाएगा आपको पावर के सेक्टरों में गिरावट के आसार दिखते नजर आएंगे। सर ये तो गिरावट और उछाल तो पूरे जिंदगी जब तक हम मार्केट में है ना चलता रहेगा, और इस गिरावट और उछाल में अपने प्रॉफिट को हमें संभालना और अच्छे काम करने के लिए ही मार्केट में आना ये हमें सोचना पड़ेगा सर। तो ये चैनल जो है ये अलग तरीके का है, इसमें अगर आपको टारगेट बता दीजिए 50 पे यस बैंक जा रहा है, फिर आप मेरे से पूछो सर यस बैंक तो 50 में गया नहीं, क्यों नहीं गया, तो हम टारगेट ही यस बैंक के सर 17-18 के लेके चलेंगे और नीचे के 10 रुपये तक के लेके चलेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें जो दिख रही है हम सबको, और तभी तो हमारी जेब में से पैसा निकलता है जब कुछ हमें अच्छा लगता है। कभी आप मार्केट में गए आपको कुछ चीज़ अच्छी लग गई तभी उसे खरीदते हो, या कुछ बेकार चीज़ लग गई तब उसे खरीदोगे आप? आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप अपने लिए कुछ कपड़े लेने बाजार में गए और आपने कपड़ा पहनकर देखा आपको जच नहीं रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप तब भी उसके पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। आप कब दोगे? जब आपको अच्छा वो लगेगा, भले ही वो कपड़े में मजबूती ना हो लेकिन उसकी इस तरह से फिनिशिंग कर दी वो आपने पहन के आपको अच्छा लगा, जब वो कपड़ा अंदर से मजबूत ना हो। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें अच्छी अच्छी दिख रही हैं उसी चीज में हम घुसते जा रहे हैं और अपने पैसों को कहीं ना कहीं पैनी स्टॉक में फंसाते जा रहे हैं। यस बैंक की सर जो भी चीजें होंगी मंडे से आपको पता लगेगी। वैसे तो मेरा जो हिसाब इसके अंदर है थोड़ी ऊंचाई पर जाकर फिर गिरावट इसके अंदर आनी संभव ही संभव है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सर मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से जरूर सुनिए, और जिसको भी मेरे से कुछ भी चीजें पूछनी है प्यारे से कमेंट कीजिए, और जो मेरे से नाराज है वो भी अच्छे कमेंट कीजिए सर। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से कुछ पूछोगे कि आपको क्या निगेटिव लग रहा है, क्यों बेकार लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर आपको उसके उस तरह से ही आपको जवाब दूंगा। और बाकी लोगों को अगर नहीं ज्यादा समझ में आता है वो मेरे से फोन पर बात भी कर सकते हैं सर। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।